दोस्तों जब भी हम ऑनलाइन किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म हो या फिर हम किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते हैं, तो वहां पर हम जो भी फोटो या फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो उसका साइज कम करके हमें अपलोड करना होता है। कहीं पर हमारा जो फोटो है उसका साइज 20 KB मांगते हैं तो कहीं पर 100 KB का साइज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही कैमरा से फोटो को खींच करके अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा। कुछ इस तरह से आप लोगों को एरर देखने को मिल जाता है, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी ज्यादा हाई होती है, वहां पर 2, 3, 4 या फिर 5 MB तक का फोटो खींच के आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जहां से आप अपने फोटो की क्वालिटी को कम कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते समय कहीं पर भी इन्हें अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन तरीका बता देता हूँ कि आप बिना इंटरनेट के माध्यम से किस तरह से अपने फोटो या डॉक्यूमेंट के साइज को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अपने फोटो या डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरह से कैप्चर कर लेना है, जैसा कि आप अभी इस फोटो को देख सकते हो। आपको थोड़ा दूर से अपने फोटो को कैमरे से क्लिक करना है। फोटो का साइज कम करने से पहले मैं आपको इस फोटो का साइज दिखा देता हूं कि अभी फिलहाल इस फोटो का साइज कितना है। इसके लिए हम यहां पर आई बटन पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अभी फिलहाल इसका साइज आप देख सकते हो 9.81 MB है, यानी कि लगभग 10 MB के आसपास इसका साइज अभी है। और इस फोटो का साइज मैं आप लोगों को 100 KB से भी कम करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडिट। आपको एडिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर अब आपको फ्रेमिंग वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह से क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अपने फोटो को क्रॉप कर लेना है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो हमने यहाँ पर अपने फोटो को क्रॉप कर लिया है। अगर पहली बार में क्रॉप ना हो तो आप दोबारा से भी क्रॉप कर सकते हैं। फोटो हमारा यहाँ पर क्रॉप हो चुका है। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब ऊपर के साइड में आपको सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब मैं आप लोगों को इसका साइज दिखा देता हूँ कि कितना साइज हो चुका है। आई बटन पर क्लिक करेंगे, अभी इसका साइज आप देख सकते हो 80 KB का इसका साइज हो चुका है। और अगर आप लोगों को और भी कम साइज का फोटो करना है तो आप लोगों को दोबारा से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस फोटो को और भी क्रॉप कर लेना है। और क्रॉप करने के बाद में आपको सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और दोबारा से यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो अभी आप इसका साइज देख सकते हो मात्र 32 यानी कि 32 KB का इसका साइज रह गया है। और आप लोग इस फोटो को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। चलिए अब मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस बता देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है रिड्यूस इमेज। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कुछ इसी तरह से आप लोगों को टाइप करना है और इसके बाद सर्च कर देना है। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी फर्स्ट नंबर पर लिंक दिखाई देगा आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी फोटो और डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर इस वाले डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना चाहते हैं और इसका साइज अभी आप लोग देख सकते हो 5.72 MB है, यानी कि लगभग 5.5 MB का इसका साइज है। तो हमने इस वाले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपलोड हो जाएगा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होने के बाद में अब आपको यहाँ पर कुछ नीचे के साइड में आना है और यहाँ पर आप लोगों को इसकी क्वालिटी को कम करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटी और क्वालिटी के जस्ट नीचे ही आपको परसेंटेज में लिखा हुआ है, अभी 90%। यहाँ पर आपको जितनी भी क्वालिटी चाहिए हो उतने परसेंट यहाँ पर डाल देना है। हमें यहाँ पर 50% क्वालिटी चाहिए, हमने 50 टाइप कर दिया। इसके बाद आपको रिसाइज इमेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो इमेज है यहाँ पर रिसाइज हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो 427 KB की हो गई है। अब मान लेते हैं आपको और इसकी क्वालिटी को कम करना है तो यहाँ पर जो 50 लिखे हुए हैं इसे हम और कम कर देंगे और इसके बाद दोबारा से यहाँ पर रिसाइज इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अभी आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी और भी कम हो चुकी है। इसी तरह से आपको जितनी भी क्वालिटी कम करनी हो आपको उतने परसेंट टाइप करने हैं। यहाँ पर ये 70 KB की हो चुकी है। आप चाहो तो वहाँ पर 0% क्वालिटी भी कर सकते हो और जब आपको लगे कि हाँ इतनी क्वालिटी की हमें इमेज चाहिए है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड इमेज का। डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है। ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपकी इमेज आ चुकी है और इसके बाद ये जो इमेज है आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं यहाँ पर गैलरी में आ चुका हूँ। आई बटन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप इसका साइज देख सकते हो
कितना कम हो चुका है। सो इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किसी भी फोटो या फिर डॉक्यूमेंट का साइज बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोसेस बता दिए हैं।